एक जेब्रा की बस्ती है जिन्होंने अपनी बस्ती को चारों तरफ से कांटों से घेर रखा है ताकि अपने परिवार को जंगली जानवरों से बचा सके। पर आज जेब्रा की रानी एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम कुंभा है। राजा अपने बच्चे को देखने आता है और जोर से बोलता है, पर सभी बस्ती के जेब्रा खुश नहीं थे क्योंकि इस कुंभा के आधे शरीर पर लाइन ही नहीं थी, जिससे सभी जेब्रा इसे श्रापित मानने लगते हैं। सवाल का जवाब दे, कौन है तू? पर इसके माँ बाप अपने बच्चे के लिए सभी को समझाते हैं। पर एक दिन इसकी माँ इसे एक जादुई तालाब के बारे में बताती है और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अब तो बस्ती का पानी भी खत्म हो रहा था। इसका जिम्मेदार सब उस आधी लाइन वाले कुंभा को मानने लगते हैं और इसका मजाक बनाने लगते हैं। सफेद कपड़ा। पर एक दिन कुछ जानवर जेब्रा से थोड़ा सा पानी पीने को मांगते हैं तो जेब्रा भी बस्ती का दरवाजा खोल देता है। इस बात से अनजान की एक शेर ताक लगाकर बैठा है। दरवाजा खुलते ही शेर हमला करता है पर कुंभा का पिता तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है और कुंभा को चिल्लाकर बोलता है, तुम पागल है क्या? अब कुंभा एक दिन रोता हुआ बस्ती की दीवार को पार कर लेता है और उस जादुई तालाब को ढूंढने लगता है। पर अब तो वो शेर भी इसके पीछे है।